हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो व्लॉग है छोटी दीपावली का है, आई मीन कल का। और कल को हम आज कर रहे थे डेकोरेशन, तो एंजिल लगी हुई थी घर की डेकोरेशन करने के लिए। उसने मुझसे पूछ लिया था कि मम्मी बताओ कैसे कैसे करूं, तो मैंने उसको बता दिया था कैसे सब लगा लो आप। तो वो अकेली ही लगी हुई थी और मैं बना रही थी खाना, क्योंकि दोपहर का समय हो गया था। तो मैं खाना बना रही थी और वो डेकोरेशन कर रही थी, और यहाँ से वहाँ से देख रहा है बड़ी गौर से कि सब क्या चल रहा है आज। और बड़ा खुश हो रहा था देख देख के, पर शैतानी भी कर रहा था, बार बार में छीन रहा था ये। इसने कुछ ये फूल मालाएं उलझा दी थी आपस में, तो उसको थोड़ा ठीक करने में समय लग गया। और मैं बना रही हूँ दोपहर का खाना, तो मैंने खाने में बनाए हैं बीन्स और आलू। तो ये सब्जी मेरी बन चुकी है तो, और मैं बना रही हूँ अब रोटी। तो आज दोपहर के लंच में रोटी और बीन्स की सब्जी चलेगी। मेरा काफ़ी मन कर रहा था बीन्स खाने का, तो मैंने पापा जी से बोला था कि आप बीन्स लेके आना, तो वो लेके आए हैं। तो ये हो गया है मेरा खाना दोपहर का रेडी, और यहाँ पे डेकोरेशन कर ली है उसने पूरी, पूरे घर में डेकोरेशन कर दी है। और यहाँ पे बना रही है एंजिल अशोक के पत्ते के तोरण। हमारे घर के बाहर जो अशोक के पत्ते लगे हैं, पेड़ लगे हैं, उसके उसने पत्ते तोड़ के वो तोरण बनाने लगी। मैंने उसको मना भी किया कि कोई बात नहीं बेटा, आपसे नहीं बनेगा, इतना हो नहीं पाएगा, लेकिन वो मानी नहीं, लगी हुई थी वो बनाने में। तो एक माला तो उसने बना ली थी। और यहाँ हो गई है शाम, शाम के बज गए हैं 6, और मैं आ गई हूँ यहाँ पर सिंहासन लगाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ छोटी दीपावली का पूजन भी किया जाता है। तो इसलिए, और ये मूर्ति हैं, इसमें चांदी की मूर्ति दुर्गा माता और हमारी लक्ष्मी गणेश भगवान जी के, ये मम्मी ने मुझे शादी में दिए थे लक्ष्मी गणेश जी, और दुर्गा माता शिवांश के होने में आया था सामान, तो उसमें मम्मी जी ने दुर्गा माता दी थी चांदी की, और 2 छोटे छोटे मंदिर वो भी चांदी के हैं। तो वो हम ये सब पूजन हम दीपावली पे ही अक्सर मैं इनको निकालती हूँ, तो अक्सर दीपावली की पूजा करते हैं और फिर मैं रख देती हूँ इनको। और ये हमारे बद्रीनाथ जी का मंदिर, नहीं केदारनाथ जी का, तो केदारनाथ जी का मंदिर मैं लेके आई थी। इस बार ये बिल्कुल न्यू है, तो इस बार केदारनाथ जी के भी पूजन करेंगे हम दीपावली पर। अक्सर जो न्यू मूर्तियाँ खरीदते हैं, अक्सर मैं वही ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हम वो भी रखें। तो अक्सर कोई भी मूर्ति मैं नहीं खरीदती हूँ, तो मैं दीपावली पर उसको ज़रूर रखती हूँ। तो देखिए, ये ऐसा लग रहा है हमारा सिंहासन तैयार होने के बाद, और हमने इसमें इलेक्ट्रिक लड़ियाँ भी लगा दी थी। और अब शिवांश डाल रहा था, बार बार शैतानी कर रहा था, तो ये लड़ियाँ हमने बंद कर दी थी, क्योंकि उसे डर लग रहा था करंट ना लगा ले ये। तो अब हो गया शाम के, बज गए हैं 7, और हम मैं और टप्पू कर रहे हैं पूजा, क्योंकि हमारे यहाँ छोटी दीपावली का पूजन भी किया जा रहा जाता है। और मम्मी जी बोल रही थी कि तुम 5 दीपक जला दो, तो अभी हम आरती कर रहे थे यहाँ पे गणेश भगवान की। तो देखिए, हमारा शाम का डेकोरेशन कुछ ऐसा है। बस एंजिल ने यहाँ पे सब लाइटें भी लगा दी थी, शिवांश की वजह से थोड़ा ऊंचा ऊंचा लगाया, नहीं तो वो छेड़ रहा था बार बार। उसने एक बार मुंह में भी डाल दिया था जलते हुए बल्ब को, तो इसलिए उसको ऊपर कर दिया सारी लड़ियों को हमने। और ये है हमारी गेट से बाहर की डेकोरेशन भी हम, और ये है हमारी गली की जो गली वालों ने लगाया है। और आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।